इसमें हम DBMS देखने वाले हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। ये फर्स्ट वीडियो है, तो हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे DBMS का, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले, पहले हम वो जान लेते हैं। हम पहले इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जो इस वीडियो में रहेगा, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा DBMS में डेटाबेस टाइप्स, DBMS का आर्किटेक्चर, मैपिंग, डेटा इंपेडेंसी, एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा यूजर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं डेटाबेस का इंट्रोडक्शन। तो DBMS की जरा थ्योरी समझते हैं, DBMS कैसे, इसका हिस्ट्री क्या था। तो इसे 1960 में चार्ल्स बैचमैन के द्वारा बनाया गया, डेवलप किया गया या डिजाइन किया गया, ठीक है। और इसको बनाने के लिए उन्हें ट्यूरिंग अवार्ड दिया गया, जो नोबेल प्राइज के समान का था, ठीक है, नोबेल प्राइज के समान था ये। अब बात करते हैं DBMS की डेफिनेशन क्या है। DBMS इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। DBMS क्या है, एक सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग इजीली एक्सेस, मैनेज, मॉडिफाई और क्रिएट, किसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को। यानी क्या है DBMS, DBMS एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका उपयोग डेटाबेस को इजीली एक्सेस, मैनेज एंड मॉडिफाई करने के लिए करते हैं। DBMS यानी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे MySQL, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल, MongoDB, RDBMS, ये सभी डेटाबेस मैनेजमेंट में, ठीक है। अभी बात करते हैं डेटाबेस क्या, हमने अभी क्या देखा, डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा हम डेटाबेस को मैनेज करते, एक्सेस करते, क्रिएट करते। लेकिन डेटाबेस क्या है, डेटाबेस इज अ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा टू इजीली एक्सेस, मैनेज एंड अपडेट टू मॉडिफाई ऑफ डेटा। तो डेटाबेस क्या है, डेटाबेस एक कलेक्शन ऑफ डेटा है, ठीक है, जिसको इजीली एक्सेस, मैनेज, मॉडिफाई कर सकते हैं डेटाबेस के थ्रू। अब बात करते हैं डेटा क्या है। हमने डेटाबेस समझ लिया, मैनेजमेंट समझ लिया, डेटाबेस मैनेजमेंट, लेकिन डेटा क्या है। डेटा इज अ इंफॉर्मेशन स्टैटिक्स एंड इंडिविजुअल फैक्ट ऑफ आइटम। डेटा क्या है, डेटा कुछ जानकारी है, कुछ आंकड़े हैं और इंडिविजुअल फैक्ट कुछ तथ्य हैं, बस यही है डेटा। डेटा यानी जानकारी, जैसे टेस्ट हो गया, इमेज हो गया, ऑडियो, वीडियो, ये सभी डेटा के अंदर कहलाते हैं। अब बात करते हैं डेटाबेस या डेटाबेस मैनेजमेंट वर्क कैसे करते हैं, इसका एग्जांपल क्या है, एक सिस्टमैटिक, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा डेटाबेस में क्लियर हो सके। तो देखिए, जैसे कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो यहाँ पास कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पास DBMS है, यानी एक बेसिक लेवल पे एक DBMS बनाते हैं अपन। जैसे फ्रेंड नेम, तो इसका DBMS डेटाबेस हम क्या बनाएंगे, माइंड में इसको स्टोर करते हैं फ्रेंड के नेम को, ठीक है। शॉपिंग लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट को किस में लिखते हो, पेपर में लिखते हो। कॉन्टेक्ट नंबर किस में होता है, मोबाइल में होता है, तो मोबाइल क्या हो गया, इसका डेटाबेस हो गया। फेसबुक की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में, या इंटरनेट, कंप्यूटर इंटरनेट, जिसका डेटाबेस हो गया। यानी हम फ्रेंड का नेम मेमोरी में याद किया, तो मेमोरी क्या हो गया, हमारा माइंड क्या हो गया, डेटाबेस हो गया। शॉपिंग लिस्ट में किस में बनाते हैं, पेपर में लिखते हो, तो पेपर क्या हो गया, एक डेटाबेस हो गया, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर किस में लिखते हैं, मोबाइल में, तो मोबाइल क्या हो गया, डेटाबेस हो गया। फेसबुक की इंफॉर्मेशन या यूजर इंफॉर्मेशन लिखते हैं कंप्यूटर या इंटरनेट में, तो ये हो गया, इसका डेटाबेस हो गया। अब आई थिंक आपको डेटाबेस में जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपका क्लियर हो गया। अब तो इसको एडवांस लेवल पे देखते हैं डेटाबेस वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पर देखिए, एक यूजर है जो एप्लीकेशन या वेब को एक्सेस कर रहा है, यहाँ पास अपना एक डेटाबेस है बना हुआ। तो ये वर्क कैसे करता है, देखिए, ये क्या किया, एप्लीकेशन खोला, एडिट किया, मतलब डायनेमिक कुछ वेबसाइट खोली यहाँ पास। तो ये क्या होता है, एक SQL लैंग्वेज होता है जो डेटाबेस में यूज किया जाता है। यही SQL लैंग्वेज फिर डिवाइड हो जाता है नॉन SQL और SQL में, ठीक है। तो SQL में MySQL ये सब आ जाते हैं, नॉन SQL में दूसरे आ जाते हैं। तो SQL लैंग्वेज क्या करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जाता है, फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस में जाता है, वहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि यूजर ने इस वेबसाइट को मांगा, तो फिर आएगा डेटाबेस पे, फिर डेटाबेस क्या करेगा, एप्लीकेशन भेजेगा, फिर एप्लीकेशन इसको मिल जाएगी। तो ये एक प्रोसेस होती है डेटाबेस की। अब SQL क्या है, अभी हमने SQL की बात की, तो SQL क्या है,
क्वेरी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, और डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा या ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। तो आई थिंक आपको अब डेटाबेस, डेटा, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम ये सभी में आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब थोड़ा फाइल सिस्टम में बात करते हैं, क्योंकि डेटाबेस और फाइल सिस्टम दोनों एक ही है। दोनों में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसके थ्रू एक्सेस करते हैं। फाइल यानी फोल्डर के अंदर आप गाने, सॉन्ग, वीडियो रखते हैं, वहां से उसे देखते हैं, वाच करते हैं, सुनते हैं, मस्ती करते हैं। तो दोनों में मेजर अंतर क्या है? तो डेटाबेस है क्या, हम यहाँ पर एक बार और रिवाइज करते हैं, ठीक है। डेटाबेस है अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर अप्लीकेशन जिसके थ्रू हम डेटाबेस को, सॉरी डीबीएमएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर अप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम डेटाबेस को इजीली एक्सेस, मैनेज, मॉडिफाई कर सकते हैं। और फाइल सिस्टम क्या है? यह एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज फाइल को क्रिएट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब डेटाबेस में हम डेटा को या डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में हम डेटा को रिकवर कर सकते हैं, लेकिन हम फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते लेकिन ज्यादा हद तक नहीं कर सकते, ठीक है। डेटाबेस में या डेटा इंक्रीमेंट इज लो होता है, लेकिन इसमें हाई होता है, मतलब इसमें लॉस, डेटा का लॉस कम होता है, इसमें ज्यादा हाई होता है डेटा का। डेटा सिक्योरिटी इसमें हाई होती है, इसमें लो होता है। इसमें पासवर्ड होता है, एक सर्वर होता है जहां पर बहुत सी सिक्योरिटी लगी होती है, यहाँ पास एक फाइल होता है जो आपका कंप्यूटर में होता है जिसमें एक पासवर्ड होता है, या पासवर्ड भी नहीं होता बहुत लोग के कंप्यूटर में, जो इजीली उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी बात हो गई इजीली इंप्लीमेंट टू कॉम्प्लीमेंट ट्रांजेक्शन, इसमें ट्रांजेक्शन करना इजी होता है, इसमें ट्रांजेक्शन करना थोड़ा कठिन होता है, नॉट प्रोवाइड होता है, इसमें ये फंक्शन प्रोवाइड नहीं होती, लेकिन इसमें ट्रांजेक्शन की फंक्शन जो है वो काफी अच्छी ज्यादा प्रोवाइड होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। अब छठवां पॉइंट का, दिस इज इजी टू क्वेरी द डेटा यूज एसक्यूएल लैंग्वेज, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई लैंग्वेज कोई नहीं है जिसके थ्रू डेटा को हम क्वेरी कर सके। तो अब आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और फाइल सिस्टम में क्या अंतर होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। हम डेटाबेस में और अपने माइंड को और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम इसकी कुछ एप्लीकेशन देखते हैं और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखते हैं। तो पहले हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। यूज या एप्लीकेशन या फीचर बोलो, बात वही है, या प्रॉपर्टी। तो डेटाबेस का यूज रिकॉर्ड बनाने में करते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए करते हैं। कैसे रिकॉर्ड को? एजुकेशन सेक्टर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, कॉलेज के रिकॉर्ड हो गए, ये सब बनाने के लिए हम डेटाबेस का यूज कर सकते हैं या करते हैं। डीबी का यूज हम बैंकिंग में करते हैं, बैंकिंग सिस्टम में करते हैं, यहाँ हम कस्टमर की इंफॉर्मेशन को रखते हैं, एक्टिविटी देखते हैं, अकाउंट एक्टिविटी, पेटीएम, डेबिट कार्ड, ये सभी जानकारी हम डीबीएमएस के थ्रू कर सकते हैं। और क्या हो सकता है डीबीएमएस का फायदा? डीबीएमएस प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन एंड ट्रांजेक्शन सपोर्ट। डीबीएमएस हमें डेटा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, डेटा ट्रांजेक्शन देता है, काफी अच्छा ज्यादा सपोर्ट करता है। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में क्या बोलता है? मल्टीपल यूजर अलाउड टू शेयर अ फाइल एट सेम टाइम, आप सेम समय में फाइल को शेयर कर सकते हैं बहुत से यूजरों को। ये फीचर आपको डीबीएमएस प्रोवाइड करता है, ये फायदा डीबीएमएस के थ्रू होता है। अब बात करते हैं, डीबीएमएस इज इंडिपेंडेंट सर्विस, रिलेटिव सर्विस एंड ऑथराइज्ड सर्विस होता है। डीबीएमएस में कई प्रकार की सर्विस प्रोवाइड हो सकती है, डीबीएमएस कई प्रकार से यूज कर सकते हैं। एक ऑथराइज सर्विस होती है, आप जब बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, आपको एक खुद की सर्विस चाहिए डीबीएमएस को खुद क्रिएट कर, तो आप ये भी कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट हो सकता है या रिलेटिव हो सकता है, आप डीबीएमएस की सर्विस कई तरीके से आप ले सकते हैं, जिनमें से इंडिपेंडेंट, रिलेटिव और ऑथराइज कॉमन है। अब डीबीएमएस में कई एडवांटेज होते हैं, लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। जैसे डीबीएमएस के जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर, वो बहुत ही हाईली कॉस्टली है, इनका काफी ज्यादा महंगा है। डीबीएमएस कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ठीक है, ये थोड़ा कठिन है इसका मैनेज करना। तो इसको मैनेज करने के लिए हमें एक एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है, जिसे हमें पैसा देना पड़ता है, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है।
Database management system is a set of multiple users sometime programming. At the data is lost. मतलब ये कहने मतलब ये है कि डेटाबेस में बहुत से यूजर प्रोग्रामिंग करते हैं सेम ही टाइम पे, तो कुछ डेटा हमारा लॉस हो जाता है प्रोग्रामर के थ्रू, तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका। डेटाबेस में कैलकुलेशन, कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेशन या स्पेसिफिक कैलकुलेशन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, अच्छी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम मिलती है, ये एक डिसएडवांटेज है इसका। तो डिसएडवांटेज है तो एडवांटेज भी तो होना चाहिए। तो इसका एडवांटेज क्या है, DBMS इज वेरी लिटिल रेसिडेंशियल। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, डेटाबेस या डेटा रेसिडेंशियल में क्या होता है, इसमें आप एक ही डेटा को कई जगह स्टोर करते तो उससे आपका डेटा क्या होता है, स्पेस लेता है मेमोरी में, लेकिन इसमें ये बहुत कम होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं डेटा रेसिडेंशियल। डेटा इंक्रीसटेंसी, आप इसको जब पढ़ लीजिए, मुझे पढ़ने में दिक्कत आ रही है, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यूजर जब चेंज करता है एप्लीकेशन में कुछ करता है ना, हमने एक एप्लीकेशन जिसमें एक यूजर चेंज किया तो दूसरे एप्लीकेशन उसको अपडेट नहीं कर पाता, ये थोड़ा ये एप्लीकेशन अपडेट हो जाए, सॉरी यहाँ पास अपडेट लिखना था। जैसे आपके मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर है तो डेटाबेस से वहां पर कोई अपडेट डालते तो आपको आज अपडेट हो जाता है, इसी की बोलते हैं डेटा इंक्रीजेंसी या इंक्रीमेंटी, जो भी है आप इसको साथ दीजिए, ठीक है। यानी आपका सिस्टम ऑटोमेटिक अपडेट मांगता है, क्यों, क्योंकि वहां से अपडेट किया गया इसके ऑथराइज से, ठीक है, तो इसी बोलते डेटा इंक्रीजेंसी। और इसका मतलब क्या है, डेटा को दो बार कॉपी नहीं करते अलग अलग प्लेस पे, अलग अलग फोल्डर पे जिससे मेमोरी भर जाती है, चीज बहुत कम होती है। तीसरा चौथा फायदा ये है, डेटा इज स्टोर वंस टू मोर सर्वर, डेटा को हम एक से अधिक सर्वर में स्टोर कर सकते हैं। डेटा सर्चिंग हमें इसमें एप्लीकेशन एंड डेटा सर्चिंग प्रोवाइड होता है मल्टीपल यूजर के द्वारा, हम इसको सर्च कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सॉरी, और इसको सर्च भी कर सकते हैं वेरी इजीली, सर्च करना आसान होता है डेटाबेस में डेटा को। इसमें हाई सिक्योरिटी मिलती है, इसमें डेटा का बैकअप अच्छा होता है, रिकवरी मोड अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन देखिए वापस हार्डवेयर खरीदना तो महंगा था, लेकिन उनको मेंटेन करना इज वेरी सस्ता, ठीक है। हार्डवेयर खरीदोगे थोड़ा पैसा लगेगा, सॉफ्टवेयर खरीदोगे थोड़ा पैसा लगेगा, लेकिन उसको मेंटेन करने में ज़्यादा पैसा आपका नहीं लगता, ये इसका फायदा है। तो इसमें आप ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होइएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।